हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको आपके वाईफाई का पासवर्ड जानने की एक ट्रिक बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र। ब्राउज़र ओपन होते ही आपको एक न्यू टैब चाहिए और ये न्यू टैब डिस्प्ले हो गया, जिसमें हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद हमें एक आईपी एड्रेस टाइप करना है जो कि सभी वाईफाई के लिए सेम होता है, 192.168.1.1। इसके बाद सर्च पे क्लिक करें और इधर बहुत सारे अलग अलग पेजेस रहेंगे, आपको सबसे पहले वाले पेज पर क्लिक करना है। पेज को लोड होने दें। उसके बाद में नीचे जाने पे आपको एक और पेज मिलेगा, एक वेबसाइट है, तो हमें उस वेबसाइट पर क्लिक करना है। उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद वो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि नॉर्मली एडमिन एंड एडमिन होता है, यानी कि यूज़र नेम में एडमिन ADMIN और पासवर्ड में भी एडमिन ADMIN। इस बात का ध्यान रखें कि सब लेटर्स स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में ना रहे। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपके वाईफाई का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये फ़िलहाल मेरा नेटगियर का वाईफाई है, इसलिए नेटगियर का पेज ओपन हुआ है। आपका आईबॉल का हो या डीलिंक का होगा तो आईबॉल या डीलिंक का पेज डिस्प्ले होएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं, तो आपको वायरलेस पे क्लिक करना है एंड लेट इट लोड। और ये लोड हो गया। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, और ये लोड हो गया। इसके बाद में यहाँ आपको आपके वाईफाई का नेम, उसका पासवर्ड, रीजन, स्पीड और ये सब सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को देख भी सकते हैं और इवन चेंज भी कर सकते हैं, या फिर अपनी सिक्योरिटी यानी कि नन या फिर सम एडवांस रख सकते हैं। इसके अलावा अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं और अपनी रीजन, सिलेक्ट रीजन मतलब आप कहाँ पर हैं, ये सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करें।